बाबर आजम शो फॉर पाकिस्तान, इमाम उल हक की भी सेंचुरी आई, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी आई एंड बाबर आजम की एक और सेंचुरी। बट ये कैसा ट्रैक है भाई, कैसा पिच बनाई है तुमने रावलपिंडी वालों? पीसीबी क्रिकेट क्या कर रही है भाई, सीधा ही इतनी ज़्यादा फ्लैट ट्रैक, कोई विकेट नहीं गिर रही, कोई बॉलर कुछ नहीं कर पा रहा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स, जिसमें आज सब कुछ बैट्समैनों के लिए ही था, इंग्लैंड बॉलर्स के लिए तो कुछ था ही नहीं। आई डोंट नो कि ये कैसी पिच पीसीबी ने बनाई है, क्या ये आईसीसी के रूल्स में इतनी फ्लैट ट्रैक बनाना सिर्फ बैट्समैनों का देखना, क्या ये लीगल है? अगर ये लीगल है तो क्यों लीगल है भाई, थोड़ा तो कुछ डालो बॉलर्स के लिए। बॉलर्स भी इंसान है, बॉलर्स भी खेलने आए हैं, उनको भी विकेटें लेनी है, उनको भी नाम बनाना है। या सारे के सारा जो नाम बनाना है वो बैट्समैन ही बनाएंगे। इतनी फ्लैट पिच, ना बॉल स्पिन हो रही है, ना बॉल सीम हो रही है, ना रिवर्स स्विंग हो रही है। जिधर टप्पा पड़ रहा है उसी लाइन और लेंथ पे वहीं पे जाई जा रही है बॉल। एंड जेम्स एंडरसन ने आज फाइनली अपने नाम पाकिस्तान की सॉइल पे पहली टेस्ट विकेट अपने नाम कर ली, ऑब्वियसली क्योंकि 17 साल बाद तो इंग्लैंड ही आई है पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने, तो कैसे पहले लेते जेम्स एंडरसन विकेट। बट बाबर आजम बहुत ही कंट्रोल में लगे, एंड कंट्रोल में क्यों ना हो यार, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड इस तरह से अगर वो बैटिंग करते रहेंगे तो आज उनका 8वां टेस्ट सेंचुरी आ गई है, जिसमें से 5 उनकी पाकिस्तानी सरजमीन पर है एंड 3 आउटसाइड पाकिस्तान है। तो बहुत ही फॉर्मिडेबल फॉर्म में लग रहे हैं बाबर आजम। बट ओपनिंग स्टैंड भी काफ़ी अच्छा, बड़ा ओपनिंग स्टैंड था, जैसे कि हमने इंग्लैंड का देखा था ओपनिंग स्टैंड जैक क्रॉली और बेन डकेट का। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक ने भी कंट्रोल काफ़ी अच्छी इनिंग्स करी एंड दोनों ने इवेंचुअली अपनी सेंचुरी मारी। इमाम उल हक का टैलेंट हम सबको पता है कि टेस्ट के वो कितने बेहतरीन बैट्समैन है, बट क्यों यार, क्यों इतनी फ्लैट पिच, क्यों? मतलब बॉलर्स के भी 250-250 रन हो रहे हैं वहाँ पे, जैक लीच 160 रन खा चुके हैं। वन ऑफ द गोट ऑफ क्रिकेट जेम्स एंडरसन, उनको विकेट नहीं मिल रही, ठीक है रन कंट्रोल कर रहे हैं वो, बट कुछ है ही नहीं पिच में, कुछ है ही नहीं भाई। मरियल पिच है, डेड पिच है, इससे ज़्यादा डेड पिच आई डोंट थिंक किसी ने भी कभी देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी जितने भी, मतलब 22 साल की उम्र का हूँ मैं, एंड 22 साल की उम्र में इतनी डेड ट्रैक मैंने तो कभी नहीं देखी कि एक भी बॉल स्पिन नहीं हो रही। अरे भाई तुम इंडिया जैसी पिचेस बना लो, जैसे इंडिया में रैंक टर्नर्स पिक पिच बनती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है वहाँ पे, सिर्फ इंडिया ही डोमिनेट करती है वहाँ पे, वैसी पिच बना लो तो ये तो इस कंडीशंस में जो भी बैट्समैन आके बैटिंग करेगा वो रन ही मारेगा, चाहे वो कोई भी टीम का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो यार। इतनी डेड पिच पे क्या कंपटीशन है, ये एकेडमी लेवल की पिचेस भी इससे बढ़िया पिचेस होती होंगी रावलपिंडी की पिच से। एंड पीसीबी शुड लुक एंड इन टू दिस मैटर यार, मतलब बहुत ही एक ये शेमफुल है कि 17 साल बाद टीम आ रही है वो कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब बैट्समैन ही जो कर रहे हैं दोनों टीम्स के वो कर रहे हैं, मतलब फील्डर्स भी हैं जो खड़े ही हुए हैं बस, ना स्लिप पे बॉल जा रही है, ना कैचेस की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। एब्सोल्यूट डिसग्रेसफुल फॉर क्रिकेट यार, ऐसी पिचेस अगर टेस्ट क्रिकेट में बनती रही और पाकिस्तान में, तो फिर तो हर बैट्समैन जाने का मन करेगा उसका कि मैं पाकिस्तान में जाके खेलता हूँ यार जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ पे डेड ट्रैक्स मिलते हैं। आई डोंट नो कि ऐसी क्यों पिच बनाई है पीसीबी ने, कि थोड़ी सी तो मदद किसी तरह की तो मदद डालते ना यार पिच में, बट एक डेड ट्रैक पे बाबर आजम शो, जो बाबर आजम शो मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि जिस कैलिबर के वो प्लेयर है यार उनके लिए इस पिच पे 200 भी छोटे रन होते, अगर वो 200 भी मार जाते इस पिच पे तो। बट 136 ऑड रन उन्होंने मारे हैं जो कि काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी उनकी। बट लेट्स सी कि क्या इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि मेरी नज़रों में ये टेस्ट मैच एक तरीके से ड्रॉ है यार, एंड कोई कंपटीशन कोई टीम किसी को नहीं दे पा रही है, क्योंकि बॉलर्स किसी भी टीम के कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम पाकिस्तानी बॉलर्स को कह रहे थे कि उनके अंदर 3-3 डेब्यूटेंट्स हैं, एक्सपीरियंस कम है, बट इंग्लैंड के बॉलर्स के पास तो नहीं है ऐसा। रॉबिन्सन के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जैक लीच अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, इंडिया में भी खेले हैं वो काफ़ी बार। जेम्स एंडरसन, खैर उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, इतना एक्सपीरियंस है, वो भी बॉलर्स कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बेन स्टोक्स भी आए थे थोड़े ओवर्स डालने के लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है पिच से, इतनी बेजान पिच।
पीसीबी को देखना पड़ेगा यार कि कैसे टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान आगे जाएगी। ऐसे तो कोई भी आके आराम से 600 रन मार दिया करेगा पाकिस्तान में, एंड टेस्ट मैच को या तो ड्रॉ करा लेगा या फिर जीत लेगा। तो पीसीबी को देखना चाहिए। बट बाबर आजम एंड पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, तुम नहीं करते, कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।